हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियान शर्मा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं बताने वाला हूं तुम्हें कि मैं अपने हेयर स्टाइल कैसे करता हूं। पहले मेरे बाल हाँ बड़े थे, अभी वो छोटे हो गए तो क्योंकि मैंने लास्ट हेयर कट करवा लिया। हेयर कट वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा आई कार्ड में, वहां जाके देख लेना। आज अपने व्लॉग में मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं अपने हेयर स्टाइल कैसे करता हूं। ये मेरे हेयर स्टाइल करना बहुत ही डिफरेंट वे है, मतलब कि मुझे नहीं पता कोई ऐसे करता होगा। तुम बता देना कमेंट में अगर किसी को तुम्हें नहीं करते हुए देखा होगा, क्योंकि इससे अगर तुम्हारे बाल लेंथी भी हैं, और मेरे तो बिल्कुल सिल्की बाल हैं, ये इसलिए हुए पड़े क्योंकि कल मैंने वैक्स यूज़ करी थी, इसलिए मैं वो अभी हेड वॉश करूँगा। और तुम्हें मैं ये भी बताऊँगा कि मैं अपनी हेयर वैक्स कौन सी यूज़ करता हूँ। हेयर वैक्स भी तुम्हें बहुत अच्छी परफेक्ट बताऊँगा, तो इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत ही यूनिक वे है हेयर स्प्रे लगाने का, वो मैं तुम्हें आगे व्लॉग में बताता हूँ। पहले अपना हेड वॉश करना है, कंडीशनर करना है, ठीक है, सिंपल हेड वॉश कर लो। मैं तो हेड वॉश ही करता हूँ, कंडीशनर बहुत कम करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम हेयर कट के टाइम करवाया था। हेड वॉश कर लो, हेड वॉश करने के बाद और मैं तुम्हें पूरे के पूरे बाल लाइव इधर ही सेट करके दिखाऊंगा। बट एक ट्रिक है जिस ट्रिक से तुम्हारे बाल मेरे क्या सबके बाल सेट हो ही जाएंगे, वो बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बताता हूँ कैसे। चलो पहले मैं हेड वॉश करके आता हूँ। सो गाइज, मैं नहा के आ गया हूँ। अब हमें जो ट्रिक थी जिससे बाल सेट होंगे वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। जैसे कि गिल्ले बाल है ना, अभी इन्हें तुम्हें स्टाइल करोगे, इनको स्टाइल करते वक्त ही वो जिसके सिल्की बाल हैं वो ड्रायर से सेट हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अगर तुम स्टाइल करोगे ना ऐसे ऐसे करके तो वो पहले ही सिल्की वाले बाल बाल नीचे बैठेंगे। तो तुम्हें क्या ट्रिक यूज़ करनी है, गिल्ले बालों में ही वैक्स लगा लो थोड़ी थोड़ी, मतलब ये नहीं कि बहुत सारी स्प्रे कर ली, थोड़ी सी स्प्रे कर लो वैक्स गिल्ले बालों में। उससे क्या होगा, जब तुम उसे ड्रायर से ड्राई करोगे ना तो वो थोड़े थोड़े बाल हार्ड होते जाएंगे और तुम्हारा बेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद बेस रेडी करने के बाद फिर अपनी लास्ट लुक के लिए हेयर स्प्रे यूज़ कर लो, बिल्कुल फाइनल लास्ट लुक के लिए सेट करके फिर हेयर स्प्रे यूज़ कर लो, बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे रहेंगे बाल। और मैं हेयर स्प्रे कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं केविन मर्फी की यूज़ करता हूँ हेयर स्प्रे। इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाली हेयर स्प्रे यूज़ करके दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मेरे बाल देख लो, मेरे बाल बहुत सिल्की हैं यार, देखो मेरे बाल देख लो कितने सिल्की हैं, ठीक है। अभी बस कुछ भी नहीं करना, पहले थोड़ी गिल्ले वालों में यूज़ कर लो। ठीक है, अभी कुछ सेट नहीं होंगे, बट इसको हमें बेस बनाना है। बेस रेडी करने के लिए मैंने यूज़ करी है सिर्फ। ड्रायर लो, ऑन करो, सेट करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हें दिख रहा होगा अभी से बेस बिल्कुल रेडी होना शुरू हो गया, बिल्कुल बाल सेट होने शुरू हो गए हैं। अभी बिल्कुल लास्ट सेट करके फिर हेयर स्प्रे यूज कर लेंगे फाइनल, तो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएंगे। देखो अब कितने बाल सेट हो चुके हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे 60-70% बाल बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब फाइनल लुक के लिए क्या करना है, हमें ड्रायर ऑन करके और ड्रायर ऐसे 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 मारोगे ना ड्रायर, तो ऐसे ड्रायर मारोगे और ऐसी स्प्रे मार देना, तो बाल वहीं पर उसी टाइम हीट की वजह से होल्ड हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ फिर।
देखो स्प्रे ले लो एक हाथ में, इससे ड्रायर ऑन कर लेना, ऐसे मारोगे ना ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके साथ स्प्रे भी मार देना। मैं रेडी होकर आता हूँ, फिर दिखाता हूँ फाइनल कैसा लग रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको। तो मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी बाहर जाने के लिए। अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल, अपना आउटफिट दिखाता हूँ एक सेकंड रुको। और ये है मेरा आउटफिट, और मैंने कुछ एक्सेसरीज भी ऐड नहीं करी ज़्यादा। ये मेरा शूज, वॉच और सिर्फ ग्लासेस, ठीक है। और हेयर स्प्रे भी बता दी तुम्हें कौन सी यूज करी थी और कैसे सेट करने हैं। तब तक के लिए मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो यहाँ तक देख के आया मेरा व्लॉग उनके लिए तो लव यू गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर।